नाउ वी मूव ऑन बीएससी पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या है, कितने स्पीड से यदि किसी पार्टिकल्स को स्काई में आकाश में भेज दिया जाए तो वह पुनः रिटर्न नहीं हो पाता है। तो ए सैटेलाइट इज ए मून प्लेनेट आर मशीन दैट ऑर्बिट्स ए प्लेनेट ओर स्टार। फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज ए सैटेलाइट बिकॉज इट्स ऑर्बिट इज सन। मान लीजिए इफ ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट मोर देन 1111 किलोमीटर पर सेकेंड इट वुड एस्केप नेवर टू रिटर्न। यदि किसी सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च किया जाए 11 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से तो वह पृथ्वी पर कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगा। ए सैटेलाइट लॉन्च हॉरिजेंटली एट मोर देन 8 किलोमीटर पर सेकेंड इज मूविंग टू फास्ट फॉर इट्स ऑर्बिट टू बी बेंट इनटू ए सर्किल बाय अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी के कारण वह बेंट हो जाएगा, झुक जाएगा एंड सो इट मूव्स इनटू द वाइडर इलिप्टिकल पाथ। कैसा बनाएगा, इलिप्टिकल पाथ बनाएगा। इन द इलिप्टिकल पाथ हाउ एवर द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वेरीज इट सॉ डाउन एट इट गेट्स फर्दर अबव अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। पहला है इज ग्रेटर देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो तो पैराबोला बनेगा और ई यदि बड़ा हो जाएगा तो हाइपरबोला बनेगा, ई लेस देन जीरो होगा तो इलिप्स बनेगा। तो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। अर्थ के सेंटर से वहां तक का रेडियस पृथ्वी की त्रिज्या आर है, उससे ऊंचाई कितना है एच है सेटेलाइट का। दूसरे वाले फिगर में है कि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर छोटा है तो अर्थ में है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर बड़ा है तो अर्थ से बाहर है, और यदि उससे भी बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग स्पीडिंग अप है स्लोविंग डाउन है, तो जो सैटेलाइट है इस तरीके का मोशन करने लगता है।